फलोदी के निकटवर्ती गांव पागियों की ढाड़ी स्थित राजस्व वाद मामले में मौका देखे बिना ही वादीगढ़ के राजनीतिक प्रभाव में पीड़ित सरादीन के खेत के टुकड़े करते हुए अन्यायपूर्वक विधि विरुद्ध रास्ता निकाले जाने के आदेश के विरुद्ध आज पागियों की ढाड़ी ग्रामीणों ने फलोदी एसडीएम कार्यालय समक्ष एकत्रित होकर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सहायक कलेक्टर फलोदी के यहां एक राजस्व वाद गुमानाराम वगैरह ने दायर किया, जो अंतर्गत थाना 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता बाबत दायर किया गया था, जिसमें हल्का पटवारी आरआई व तहसीलदार फलोदी ने 3 प्रस्तावित रास्ते तय किए थे, जिसमें प्रार्थी को एक रास्ता काटा जाना और उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना मंजूर था, जिसे रास्ता भी हो जाए और प्रार्थी का खेत पूरा सही सलामत बचा रहे, उसके टुकड़े न हो। दिनांक 2 दिसंबर 2022 को प्रार्थी ने स्वेच्छा से ही मार्ग खोल दिया था, जो वर्तमान में मौके पर मार्ग खुला है, लोग आवागमन कर रहे हैं। साथ ही साथ सहायक कलेक्टर फलोदी ने प्रार्थी के अधिवक्ता को यह कहते हुए सुनिश्चित किया था कि मौका देखकर ही इस प्रकरण का निस्तारण न्याय सम्मत और विधि पूर्वक किया जाएगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने मौका नहीं देखा, खुले हुए रास्ते को भी नहीं देखा। उक्त राजस्व वाद के वादीगढ़ों के राजनीतिक प्रभाव के दबाव में आकर मनमाना निर्णय करते हुए प्रार्थी के खेत के 2 टुकड़े हो जाए, इस प्रकार का रास्ता खोले जाने के आदेश कर दिए, जो कि विधि विरुद्ध अन्यायपूर्वक क्रूरता से किया गया निर्णय है। हमारी जमीन फलोदी कस्बे के अंदर 819 कस्बा नंबर, उसके पड़ोस में 820 मतलब में अभी कुछ महीने पहले खरीदी गई गुमानाराम वगैरह ने हमारे ऊपर 819 कस्बा नंबर जमीन पर इन्होंने दावा लगाया, तो दावा में इन्होंने ना तो कोई देख पार की, सीधा ही अपना दावा लगा दिया और इन्होंने 3 ऑप्शन बनाए। इस ऑप्शन के हमारे नज़दीक पड़ता हुआ हमारा मकान बना हुआ है और साइड में दुकानें भी बनी हुई है और एक किन्नर से रास्ता हम देने के लिए सहमति थी, इन्होंने ना इसकी देखा ना मौका मौना किया, इन्होंने जमीन मकान को घुमाते हुए रास्ता काटने की कोशिश की और भी रास्ता काट दिया। इन्होंने ये भी लिखा है कि हम जमीन के अंदर रहते हैं, इस जमीन में ना रहते हैं ना वो काम लेते हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती मदेना पंजा दबाव से हमारी जमीन के टुकड़े कर डाले, तो इन्होंने मौका मौना नहीं किया, अपनी ज़बरदस्ती से इन्होंने रास्ता कटान ऑर्डर द्वारा करा दिया और बीचों बीच हमारे जमीन को घुमाते हुए 2 टुकड़ों में कर डाला है, इसलिए हमें जरूर आप न्याय दिलाएं।